करो, शर्म करो। मोदी मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलाल मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। दलाल मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। दलाल मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। डेमोक्रेसी के हथियारे गो बैक, गो बैक, गो बैक। डेमोक्रेसी के हथियारे गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। झूठो दलाल मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। झूठे मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। हालत देख गया, गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। मैं प्रधानमंत्री मोदी एनआरसी पर पक्ष में ऐसा उनके बयान से लगता है अमित शाह बैठे हुए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या कंफ्यूजन है अमित शाह और बीजेपी के बीच? वो एक दिन झारखंड में प्रधानमंत्री दो रैली करते हैं और अमित शाह दो रैली करते हैं। चार राज्यों में बीजेपी की हार हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी मोदी ये कहते हैं कि हिंसा करने वाले की तारीफ कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसकी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी जो उन्होंने तारीफ की किसी भी उसको जीवित रखना पड़ेगा।
जो मोदी की रैली हुई है उन चारों से आखिरकार क्या एनआरसी के वजह से या हिंदुत्व के वजह से झारखंड की हाल है? मंदिर वजह से सरकार नहीं, तो ये झारखंड नहीं बल्कि बाकी के राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जवाब जनता का हम रोजी रोटी मांगते हैं, हम रोजगार मांगते हैं, हम पढ़ाई शिक्षा ये सब मांगते हैं, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। और राष्ट्रीय मंदिर का मुझे भी लगता है कि अध्यक्ष बड़ा होगा, ये सिर्फ मुस्लिम तक से भी नहीं है, ये दलित आदिवासी मरुण तबका जो दबा हुआ है जिस तरीके से एनआरसी है जामिया के उसके बाद जो आई टी सेल वाले गालियाँ देते हैं उन्हें आप उस तरीके से सामना करते हैं, अगर सी एन आर सी नहीं लिखते हैं अगेंस्ट तो आपको गालियाँ पड़ती हैं, आप किस तरीके से देखते हैं क्या चीज़ों की सामना करना? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जब से सरकार आई है और आई टी सेल इनकी एक्टिव हुई है ये बहुत आम बात होती है, पहले इनको इनकी भाषा इतनी मतलब गंदी होती है कि आप इनको जवाब नहीं दे सकते, ये ना तो कभी आप पेज का जिनकी आईडी होती है इनकी खुद की तस्वीरें नहीं होती, तो ये फेक आईडी डी सुनने का इसका कोई मतलब नहीं है, इसे इग्नोर करो, ब्लॉक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप इसे मुँह लगाओगे तो आप यूपी में जिस तरीके से एक पत्रकार लखनऊ में वायरल करती है लाइव लाइव होती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे कई लोगों पर आई थी आप देख लीजिए और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस कहती है कि आप क्या है योगी राज का जो गुंडा राज अरेस्ट कर लिया गया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात जैसे कि आप जो नारे लगता है प्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान में पुलिस की तारीफ करते हैं, ठीक है उन्हें ये बर्बत्ता नहीं दिखती जामिया की बर्बत्ता लखनऊ में पत्रकार लाइव होती है एक्टिविस्ट उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पुलिस की तारीफ करते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच में आए आम को क्यों नहीं आए आप रामलीला मैदान में कभी ये बोले कि आप मेरे से नफरत करो पर आप देश से नफरत मत करो, देश से कोई नफरत नहीं करता, देश से प्यार करते हैं और इसीलिए शायद संविधान बचाने के लिए आप करता हो, तो आप अगर मतलब सोचते हैं लोगों के बारे में कि मतलब अहिंसा मत फैलाओ प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करो तो आप अगर आप बात करो आप यहाँ आके अपनी बात कहिए आप यहाँ आके बात कहिए पर आप रामलीला मैदान जाइए क्योंकि वहाँ आपकी शायद आप जनता के बीच में नहीं हो, आप उनके बीच में हो जो आप ही लाए गए लोग हैं जो आप तो पीएम है ना आप आइए नोटबंदी के बाद आपने पूरा 50 दिन दो साल हो गए जवाब सवाल है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार वही हिंसा हो रही है, दरियागंज में जहाँ मस्जिद में हुआ था वहाँ से आते तक वही हिंसा कर गए क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस है उनके दिल्ली के हवाला हुआ या दरियागंज हुआ उसी दिन इंडिया गेट में भी प्रोटेस्ट वहाँ की ये चीज़ें और पूजा भी क्यों उनको एक मौका मिल जाता है बोलने का कि माइनॉरिटी का इलाका है और इन लोगों ने पत्थर किया, हालांकि वो दो जगह थे और ये क्लियर हिंसा शुरू कर दी गई है, जामा मस्जिद के अंदर कितने लोग थे लाखों लोग थे जब ये बात आए थे वहाँ भी कुछ नहीं हुआ बड़ा कि कुछ नहीं हुआ तो पर्टिकुलर एक जगह में थे और ये तो ये तो मतलब आप मौके कि हमें यहाँ आप इंडिया गेट में लाठी बरसाओ आप जंतर मंतर में लाठी बरसाओ यही खड़े हैं पर आप यहाँ क्यों आप वहीं जाओगे तो संसद में भी नहीं थे प्रधानमंत्री जब ये बिल पास हुआ जी संसद में थे प्रधानमंत्री तो ऑपोजिशन में भी देना चाहते हैं अभी भी घर पर और यहाँ लाखों के तैदान में आप अभी पार्लियामेंट से शायद मंडी हाउस
ट्रेन भी कर दिया गया और आप हमेशा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।